I come in, sir? आप सभी को मेरा नमस्कार सर. नमस्कार, बैठिए. धन्यवाद सर. आरती जी सर. रघुवंशी जी सर. और रामचरित मानस जी सर. तीनों कहने का मुझे कनेक्ट कर रहा है जी सर. आरती भी कर रही है, रघुवंशी भी कर रही है जी सर, और रामचरित मानस भी कर रहा है. समझाइए मुझे सर. जो आरती है वो एक धार्मिक नाम है, और जो रघुवंशी है वो राजा राम के जो वंशज है उनको रघुवंशी कहा जाता है. okay. और साथ में सर जो रामचरित मानस है वो भगवान राम के चरित्र का वर्णन है. और रघुवंशी इसलिए आप पाठ करती हैं? सर ऐसा नहीं है कि रघुवंशी हूँ इसलिए पाठ करती हूँ. पाठ करना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पाठ करती हूँ. कंप्यूटर जी सर. अभी कुछ दिनों पहले माननीय पीएम साहब ने कुछ 7 गेमर्स से एक मीटिंग करी थी जी सर. गेमर्स आपके ध्यान में है? सर मीटिंग का तो ध्यान में नहीं है. एक बड़ी अच्छी उनकी भेंट हुई है देश के 7 गेमर्स जो हैं सर. उनको पुरस्कार प्रदान किया है. जो पुरस्कार प्रदान करने के साथ में उनसे बैठ के काफी बातें भी करी है जी सर, है ना. उसके बारे में अखबार में खूब आया है जी सर. तो ये क्या था और ये इसका क्या लाभ है? मतलब एक देश के प्रधानमंत्री गेमर्स से मिल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? गेमर्स जी सर, उनसे मिलके बात कर रहे हैं जी सर. उनसे पूछ रहे हैं कौन कौन से गेम डेवलप हो सकते हैं और कौन कौन से गेम में हम क्या कर सकते हैं जिससे देश को लाभ मिले जी सर. क्या था वो और कौन कौन लोग थे उसमें? सर लोगों के नाम तो मुझे नहीं है जानकारी में. okay. किंतु गेम में ऐसा था मानना प्रधानमंत्री जी का कि ये भी एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है. okay. जो हमारी जीडीपी में योगदान करेगा और जो लोग गेम में अच्छी क्षमता के साथ खेल रहे हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मतलब अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश को अच्छा स्थान मिलेगा और सर आर्थिक रूप से भी सहायता मिलेगी. कुछ और भी उन्होंने कहा के लिए और गेम के लिए? सर उन्होंने देश की संस्कृति, एनवायरनमेंट, कल्चर उससे जोड़ा है गेम को, कुछ आपको पता है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं, माफ़ी चाहूँगी. ओके ठीक है जी. ई विधान क्या है? ई विधान सर जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो विधानसभाएं हैं उनके बारे में एक पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी देना है. ओके बस इतना ही सर. ऐसा आया था कि मध्य प्रदेश इसमें पिछड़ा हुआ है. नहीं, ये पोर्टल से जानकारी देना है, ये ई विधान है या कुछ और है? सर इलेक्ट्रॉन बता रही है वो सही है. सर जो विधानसभाओं की जो काम काज है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना. पेपरलेस जी सर. पेपरलेस गवर्नमेंट जी सर. ठीक है. अभी आप जॉब में हैं? जी सर. कौन से पोस्ट पे हैं आप? सर सामुदायिक संगठक की पोस्ट पे हूँ. क्या काम होते हैं इसके? सर मुख्यतः तो SHG का गठन करना और PM स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन और सर साथ ही जो केंद्र और राज्य स्तर की योजनाएं हैं उनका भी क्रियान्वयन करना. कौन कौन सी योजना लागू कराते हैं? सर एक तो जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसका क्रियान्वयन और जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उसका क्रियान्वयन. साथ ही जैसे जो दीनदयाल रसोई चलती है लोगों को 5 रुपये में निःशुल्क भोजन सर उसका भी क्रियान्वयन. साथ में जो आशरा है जो लोग बाहर से और गरीब लोग हैं उनको एक रात रुकने के लिए इस संबंध में भी कार्य किया जाता है. दीनदयाल जी कौन थे? सर दीनदयाल जी एक प्रमुख दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सर जनसंघ के संस्थापक थे. जनसंघ संस्थापक जी सर. कुछ विचार दिए थे उन्होंने समाज के लिए, संगठन के लिए कुछ विचार दिए थे? जी सर. क्या? एकात्म मानववाद दिया था. एकात्म मानववाद जी सर. क्या एकात्म मानववाद क्या है? सर एकात्म मानववाद से आशय है कि जो मानव है वो अलग अंग ना होकर समाज, राज्य, परिवार ऐसे मतलब उन्होंने 5 से 6 बिंदु दिए थे कि जो मानव है वो परिवार से जुड़ा है, परिवार समाज से जुड़ता है, समाज राज्य से जुड़ता है, राज्य देश से जुड़ता है, देश विश्व से और विश्व ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ. अर्थात जो मनुष्य है वो अभिन्न अंग ना होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करता है. बतो प्रशासकीय अधिकारी आप भी एकात्म का काम करेंगी? जी सर. बल्कि सेतु बनेंगी आप पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में? जी सर बिल्कुल. किस तरह से सर? जो पब्लिक की समस्याएं हैं उनको सुनना, उनके समाधान के लिए कार्य करना और सर जैसे जो ई गवर्नेंस जैसी पहले है उसके माध्यम से पब्लिक को सरकार से सीधा जोड़ना और साथ में सर अधिकारियों से जो भी
समस्याएं हैं जनता की, उनके बारे में बताना, इस तरह से माध्यम के रूप में कार्य करूंगी। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जी सर, क्या खत्म हो गया? सर अभी हाल ही में तो चर्चा में नहीं है, कुछ समय पहले तक चर्चा में था। चर्चा में था और नहीं इसलिए खत्म हो गया कि है? सर इसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं। जी सर, ठीक है। अब पता है क्या बिल था ये? जी सर, आपकी जानकारी में है? जी सर, बताइए क्या था। सर जो किसान बिल लाए गए थे उस समय 3 बिल लाए गए थे, जिसमें से 2 किसानों से संबंधित थे, जिसमें एक तो किसान व्यापार और व्यापार मूल अधिनियम था और दूसरा, सर एकदम नाम तो याद नहीं कर पा रही हूँ, किंतु ऐसा था कि जो किसान है वो देश में किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेच सकते हैं, और दूसरा अनुबंध कृषि का एक कॉन्सेप्ट इससे आया था। और इसके अलावा? सर MSP के लिए किसान मतलब मांग कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बिल लागू होते हैं तो उनका जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या उनकी उनको इसकी गारंटी नहीं मिलेगी, ये कारण था। तो ये सही है गलत है? सर बिल का उद्देश्य तो ये था कि जैसे किसी भी जगह मतलब सारे देश में जो मंडियां हैं उनको एक दूसरे से जोड़ना था और किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकते थे, किंतु कहीं ना कहीं किसानों को इसको मतलब समझ नहीं आ पाया और उन्होंने इसको अपनी जो समर्थित मूल्य है उससे जोड़ लिया था। आपने आज का अखबार पढ़ा? जी सर। क्या हेडलाइन है आज के अखबार की? सर आज के अखबार में एक तो कुंडलपुर में जो जैन समारोह चल रहा है सर उसके बारे में था, और सर जी सर एक था सर जो खुदरा महंगाई दर है वो लगभग 4.5% पे आ गई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी हुए हैं। जी सर, जी सर, और चुनाव गुना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सूचकांक बनता कैसे है? सर जो शहर है, शहरों में जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र में कामगार लोग हैं उनकी जो खर्च है प्रतिदिन का उसके आधार पे, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो कृषि कामगार लोग हैं उनके खर्च के प्रतिदिन के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। ये मोदी जी बोल रहे हैं कि कई लाख या करोड़ परिवार इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए। जी सर। कैसे निकाल दिए? सर लगभग 25 करोड़ परिवारों को बाहर किया है, तो सर कुछ तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र की उनके माध्यम से, जैसे कि प्रधानमंत्री रेखा का मानक क्या है? सर गरीबी रेखा का जो मानक है उसमें ऐसा है कि जो प्रतिदिन उपभोग है वो शहरों में लगभग 2100 कैलोरी और ग्रामीण में 2400 कैलोरी से अगर कोई कम करता है तो वो गरीबी रेखा। पता चलेगा कि इसमें कितना कैलोरी खाया है? जी सर। उपभोग किया है? जी सर। सर इसका मानक तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। नवरात्र चल रहे हैं अभी, तो बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे होंगे अगर इस मानक के हिसाब से हम देखें तो। जी सर। आपने सुबह से क्या खाया है आज? सर नाश्ता पोहा बस खाया है। कितना कैलोरी मिला उसमें? सर इसके बारे में तो अंदाजा नहीं है। जी सर। किसी से कम होगा तो आप गरीब अभी? सर कुछ खा लेंगे आप तो गरीब, आप गरीबी से मारे जाएंगे। सर मानक, जी सर मानक तो यही तय किए गए हैं कि अगर एक माह में आप 2100 कैलोरी यूज करते हैं उपभोग। जी सर, सामुदायिक संगठन। क्या काम होता है इसका मुख्य? सर स्व सहायता समूह का गठन करना, PM स्वनिधि जो योजना है उसका क्रियान्वयन करना, और मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह क्या करता है? सर स्व सहायता समूह जो एक तरह से गरीब लोग हैं वो अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर। तो आप गरीबों के लिए काम कर रही है, आर्थिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है, तो आप कैलोरी तो आपको फिर पता होना चाहिए कि 100 ग्राम पोहा खाया है तो कितनी कैलोरी है अगर वही मानक है। जी सर। सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लूं। मैं ये मान लूं कि आपका कार्य आप ठीक से नहीं कर रहे जिस पोस्ट पे आप हैं। सर चूंकि तो आपको नई पोस्ट क्यों देते हैं? जी सर माफी चाहूंगी सर इस पे। चलिए, जल जीवन मिशन के तहत पहला जिला कौन सा है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने में सफल हो गया? सर मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। देश का? सर देश में जम्मू कश्मीर में कोई जिला था, जिले का नाम तो सर याद नहीं कर पा रही हूँ। तमिलनाडु का पता है आपने? अच्छा, एक ऐप लॉन्च हुआ है अभी। जी सर। सी विजल ऐप। जी सर। जी सर चुनाव संबंधी एक ऐप है, इसमें
जी सर, इसमें ऐसा जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चल रहे होते हैं या आचार संहिता लागू होती है, तो उस समय जो मतदाता है उनको कोई भी समस्या होती है तो वो सी विजिल ऐप की समस्या सर, जिस घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, कैसी समस्या? सर, जैसे चुनाव से संबंधित कोई मुद्दा है, कोई भ्रामक जानकारी दी जा रही है या उनको किसी भी तरीके से, जैसे गाँव में तो इतने मैनिफेस्टो जारी होते हैं ना, सब भ्रामक ही होते हैं। राम मंदिर बनाएंगे कब से चल रहा था, जब से जनसंघ की स्थापना हुई थी जी सर, जाके बनाए तो मतलब जी तब सर, से अब तक तो भ्रामक ही था जी सर। इस बार वाला सही मान लेते हैं अपन। सर, ऐसा जैसे पैसे अगर यूज हो रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, तो इससे संबंधित जो भी आपको समस्याएं लग रही हैं तो उसका आप कर सकते हैं। और ऐसा भी आया था कि इसका मिसयूज भी हुआ है, लोग अपनी सामान्य समस्याएं जैसे या अपनी जो फोटो हैं उनको भी इस पर अपलोड कर रहे थे। जी सर। अच्छा, इसमें आचार संहिता से उल्लंघन की शिकायतें हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और उसके एक्शन लेने का टाइम पीरियड भी कुछ निर्धारित किया गया है, वो समय बता सकते हैं आपको? सर, समय के बारे में तो जानकारी नहीं है। ठीक है, ये WTO जी सर क्या होता है? सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोई रिपोर्ट जारी की है? कौन सी रिपोर्ट जारी की है और भारत कौन से काम कर रहा है? सर, माफ कीजिए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आरती जी सर, कि आचार संहिता इलेक्शन से रिलेटेड काम जो कि आप लोगों को भी अलॉट हो ही रहे होंगे अभी जी सर, और गरीबी रेखा उन लोगों के लिए आप काम कर रही हैं, इन सब चीज़ों की अधूरी जानकारी आपके पास है, तो क्यों ना इसे ये माना जाए कि आप अपने कार्य के प्रति गंभीरता नहीं बरत रही हैं, आप अपने एक नए सपने को पूरा करने में लगी हुई हैं। तो इस आधार पे अगर मैं ये मानूँ कि आप समाज सेवा से इतर स्वयं सेवा में संलग्न रहेंगी, ऐसे आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सर, ऐसा नहीं है, मैं अपने कार्य के प्रति पूर्ण गंभीर हूँ, और सर जो कुछ जानकारियाँ हैं वो या तो मेरे दृष्टि में आई नहीं है या मेरे द्वारा लापरवाही उनके प्रति बरती गई है, तो सर मैं उसको देखूँगी, समझूँगी, किंतु सर मैं अपने कार्य के प्रति पूर्ण गंभीर हूँ। आप एक जिले के SDM हैं जी सर, और आपके अंतर्गत आने वाले स्व सहायता समूह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये अपने कार्य में लापरवाहियाँ बरतते हैं, आप क्या करेंगे? जी सर, सर सबसे पहले तो मॉनिटरिंग का काम, अगर मॉनिटरिंग के तो पता चल ही गया ना कि लापरवाही बढ़ती है जी सर, पता चल चुका है, मतलब मॉनिटरिंग हो चुकी है, अब क्या एक्शन क्या लेंगे आप, मैं वो जानना चाह रहा हूँ जी सर। एज ए SDM हाँ जी, एज ए सर, जैसे भी जिन संस्थाओं द्वारा SHG का संचालन चल रहा है, उन संस्थाओं के जो प्रमुख होंगे उनसे जानेंगे कि जो समस्या हुई है वो किस वजह से हुई है, और उनको ऐसा भी बताएंगे आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कार्रवाई भी एक बार उनसे बैठ के बात करके समझाएंगे, नहीं तो फिर सर कार्रवाई ली जाएगी। ठीक है, आपका चयन क्यों किया जाए? सर, मेरे द्वारा जो भी एक सिविल सेवक की अहर्ता है, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, उसको मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है, साथ ही मैं मानती हूँ मेरे अंदर वो सभी गुण हैं जो एक सिविल सेवक में होना चाहिए। जैसे कि? सर, जैसे कि मैं मेहनती हूँ, मेरे अंदर धैर्य है सर, और सर मैं समयबद्ध रूप से कार्य करती हूँ, साथ में सर जी सर ईमानदार नहीं है? सर, ईमानदार हूँ मैं, अनुशासन में नहीं रहती सर, अनुशासन में भी हूँ, किंतु जो मेहनत और धैर्य का गुण है मुझे ऐसा लगता है मुझ में वो ज़्यादा है। ईमानदारी कम है? सर, ईमानदारी भी है, किंतु अगर बरीता क्रम में देखें, मेहनत और धैर्य जी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड नहीं लगते? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगते हैं। सर, जैसे कि अभी मैं जिस दौर में हूँ, एक अभ्यर्थी के दौर में, तो मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है, लंबे समय से मेहनत की जा रही है सर, साथ में मैं धैर्य भी रखे हुई हूँ कि मुझे अपने परीक्षा का परिणाम जरूर मिलेगा। ठीक है आरती, आप जा सकते हो, आपसे बात करके अच्छा लगा।